अमेरिका से जहां है डीडी न्यूज मौजूद। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले 10 साल में देश के स्वास्थ्य ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आयुष्मान योजना की बात करें या पीएम जन औषधि केंद्रों की या फिर नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों की, देश में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ी है। आयुर्वेद और योग जैसी विधाओं को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह में हिस्सा लिया। पीएम ने 12,800 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ किया और स्वास्थ्य क्षेत्र और जन स्वास्थ्य को लेकर उनकी सरकार की सोच को भी सामने रखा। लोकसभा चुनाव की अपनी एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की शुरुआत की। अब इस आयु वर्ग में आने वाले किसी भी आय वर्ग के लोग मुफ्त इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान पीएम ने कुछ ऐसे लाभार्थी बुजुर्गों को हेल्थ कार्ड भी सौंपे। पीएम ने चुनावी गारंटी पूरा होने पर संतोष जताया तो वहीं राजनीतिक कारणों से दिल्ली और बंगाल में योजना लागू न किए जाने पर पीएम ने कटाक्ष किया। मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। राजनीतिक हितों की वजह से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किए जाने का जिक्र करते करते पीएम भावुक हो गए। दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पीएम ने देश भर में 2000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना और आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होने का जिक्र किया। पीएम ने अपनी सरकार की स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभों को भी गिनाया। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। पीएम ने लगभग 13,000 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण 2 का उद्घाटन, 11 स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं की शुरुआत, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल का शुभारंभ और चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन जैसी पहल शामिल हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक तीसरी हमारी खास मेहमान कुछ ही देर में हमारे यहाँ स्टूडियो में पहुँच सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन मोहन जेड़ा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यजीत पॉल, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले पॉल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आयुष का एक अलग से मंत्रालय बनाया गया और जब से ये मंत्रालय शुरू हुआ तब से आज तक की अगर यात्रा की हम बात करें तो क्या कुछ सफलताएं आप गिनाना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2014 में आयुष मंत्रालय का सृजन हुआ। उसके बाद हमारे चारों तरफ से विकास करने का प्रयास किया हम लोगों ने। ये वर्तमान सरकार के हेल्प के जरिए जो हम लोग रेगुलेशंस के जरिए हम लोगों ने नेशनल कमीशन्स फॉर होम्योपैथी 2020 एक्ट बनाए, नेशनल कमीशन्स फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट बनाए। उसके तहत जो जितने सारे रेगुलेशंस बनाना था, जैसे कि यानी कि स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हो, स्टूडेंट्स के रेगुलेशंस कॉलेज को जो मान्यता दिया जाता है उसके बारे में भी रेगुलेशंस बनाए। हम अगर कहें कि 2014 में जैसे कि हमारे फाइनेंशियल आउटलेट लगभग 700 करोड़ के थे, वो आज का जो हमारे यानी कि 3000 करोड़ यानी कि पहुंच चुके हैं। हमारे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे काफ़ी वृद्धि हुई है। हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए, जैसे कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का जिक्र किया, वो भी इसी 2017 में कंस्ट्रक्शंस हुआ। इसका एक सेंटर भी हुआ है 2022 में जो कि सेटेलाइट सेंटर है गोवा में। हमारे वैसे ही नॉर्थ ईस्ट को भी हम लोगों ने जोड़ दिया, वहाँ भी हम लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी वो बनाया। शिलोंग में हम लोगों ने NIFR बनाया है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जी। वैसे ही हम लोगों ने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया, जैसे कि CCRYN, उसके तहत कुछ सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, NIN निसर्ग्राम पुणे, इसको भी हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया है। लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको, क्योंकि एक जो पारंपरिक पहले से एक जिस तरह से एलोपैथी चलते आ रही है आयुर्वेद को लेकर के या आयुष के दूसरे जो शाखाएं हैं उनको लेकर के, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? जी, इसमें यानी कि बहुत लोगों का जागरूकता जो है वो बहुत बड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 जुलाई से 2023 जून तक एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर आता है जी, उन्होंने एक देशव्यापी सर्वेक्षण कराया गया था जिसके आधार पर ये प्रतीत हुआ है कि देश के लगभग 95% से ज़्यादा रूरल एरिया में लोग आयुष के बारे में जानते हैं और जो अर्बन एरिया में है वो लगभग 96% के जानकारी रखते हैं जी। जेड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेड़ा जी, जिस तरह से मोदी सरकार में आयुष को बढ़ावा दिया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी नई शुरुआत हुई हैं और कुछ अभी होनी भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयुष में एक ये बार बार मोदी जी भी इस बात पे जोर देते हैं कि हमें इसको साइंटिफिक पैटर्न पे इसको हम इसकी जांच भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पुरानी चीज़ चली आ रही है हम उसको देते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो भी आयुर्वेद की नई दवाएं बन रही हैं लगातार वो रिसर्च होकर बन रही हैं, उनमें ICMR काम कर रहा है, उनमें CSIR काम कर रहा है, और बहुत सारी मेडिसिन अभी जो आयुर्वेद की हैं बुनियादी तौर पर आयुर्वेद की मेडिसिन है, लेकिन उनको रिसर्च करके, उनको ट्रायल करके और उसके बाद उसमें एड ऑन करके वो मेडिसिन बाजार में आई है और वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए हैं। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि बीमारियाँ बहुत सारी हैं
बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका आयुष में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में बेहतर समाधान हो सकता है। तो एक जो अप्रोच है कि हमें दोनों पैथियों को, हमें दोनों सिस्टम को मिला के चलना है। जहाँ पर आयुष पैथी उपयोगी है वहाँ पर आयुष का काम करना चाहिए, जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सर्जरी की जरूरत है वहाँ पर एलोपैथी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक जो समावेश करने की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, जो तीसरा जो जोर सरकार का है कि जो प्रिवेंटिव, जो रोकथाम के लिए हमें कई जगह पर जो आयुष की पैथियां हैं, आयुष की दवाएं हैं, आयुष के फॉर्मूले हैं, ये बेहद कारगर हो सकते हैं रोकथाम के लिए, पोषण के लिए, तो वहां पर इनका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक जो एक समग्रता वाली जो अप्रोच है, इस अप्रोच पर अगर काम हो और हो भी रहा है और आगे काम बढ़े तो एक बेहतर स्थिति होगी। एक बहुत सारी चिकित्सा पैथियों का हमारे पास समावेश होगा और हमारे पास बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। हमारे पास 7 लाख आयुष पैथी के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इस्तेमाल उनका अभी तक नहीं है, उनका और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक मैंने अभी ये भी सुना कि अभी एक आयुष स्टोर की स्कीम आ रही है जिससे पूरे देश भर में आयुष के स्टोर खोले जाएंगे। तो आज क्या होता है कि आयुष का डॉक्टर तो अवेलेबल है लेकिन आयुष की दवाएं इजीली नहीं मिलती। अगर वो दवाएं इजीली मिल जाएंगी, जैसे जन औषधि केंद्रों पर आजकल आसानी से दवाएं मिल जाती हैं और बहुत किफ़ायती दरों पर मिल जाती हैं, वैसे अगर आयुष की दवाएं भी हर जगह उपलब्ध हो तो लोग इस पैथी को और भी ज़्यादा अपनाएंगे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे लगता है कि एक जो इस संपूर्णता वाली अप्रोच है, एक जो समावेश वाली अप्रोच है, इस पर आगे और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जड़ा जी, अभी हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर तनुजा निसारी हमारे साथ जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेद को लेकर के और ज़्यादा उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, पॉल साहब, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्ट्री में हैं, आप पिछले 10 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तरह से खासा ध्यान दिया गया है और ग्राफिक्स के ज़रिए कई सारे तथ्य भी हम सामने रख रहे हैं, किस तरह से आप इस 10 साल की यात्रा को देखते हैं? हम कहते हैं कि यानी कि नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इसमें हमें यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था हमारे आयुष सेक्टर इन 2014 वो लगभग $3 बिलियन के आसपास था। तो ये आजकल लास्ट असेसमेंट जो है कि ये 2022 का असेसमेंट में ये बताता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हम लोग लगभग 24 करोड़ लगभग, मतलब 8 गुना वृद्धि हुआ है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर तनुजा निसारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ एलोपैथी है और आयुर्वेद की अगर हम बात करें, आयुष की हम बात करें, भारत की एक परंपरा रही है, एक भारत का इतिहास रहा है, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि इस विधा को कहीं ना कहीं उतना इस पर ध्यान नहीं दिया गया और पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि खासा ध्यान इस पर दिया गया है। आपका अनुभव क्या कुछ कहता है? जी, जैसे कि अभी 2014 से के बाद जब आयुष मंत्रालय सेपरेट हुआ, आयुष मंत्रालय की अपनी एक पहचान हुई, तो उसके बाद आयुर्वेद के शिक्षा के स्तर पे एक NCISM एक अलग कमीशन बना जी। इंडस्ट्री में 6 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, शिक्षा में बढ़ोतरी, रिसर्च के 44,000 रिसर्च के पोर्टल पे, आयुष रिसर्च पोर्टल पे है, और जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जैसे टर्शरी केयर सेटअप भी बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी हुई। और ना कि देश में जैसे आयुर्वेदा दिवस, कल 9th आयुर्वेदा दिवस मनाया गया और ये 9वें दिवस में हर दिन हर घर आयुर्वेद, ऐसे जन संदेश, जन भागीदारी, जनादेश, जन सभी समावेशक ऐसा किया। और एक जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और नवाचार से वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इस साल का आयुर्वेद दिवस था, वो आयुर्वेद के नवाचार वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो एक जो सनराइज सेक्टर है आयुर्वेद का, जो स्टार्टअप के लिए, इकोसिस्टम के लिए, ये ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद आहार हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तो ये ट्रेडिशन से टेक्नोलॉजी को जोड़ना,
ये बहुत ज़्यादा हुआ, इसीलिए जो हमारा क्लासिकल सिस्टम है, इंडिजिनस सिस्टम है, ये एक मोस्ट रेलेवेंट और कंटेम्प्ररी एविडेंस बेस्ड रिकग्नाइज जो ग्लोबल रिकग्निशन की ओर गया। और सबसे बड़ी जो पहल यहाँ हुई ये है कि ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो जामनगर में यूएन आउटपोस्ट हुआ, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत, आयुष का साथ से, भारत सरकार की का एक कॉमन कोलैबोरेशन से हुआ, जिसमें 193 कंट्रीज के ट्रेडिशनल मेडिसिन यहाँ भारत में है, आयुष सिस्टम उसमें है, और एक सिंथेसिस ऑफ एविडेंस सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक शोध अनुसंधान के साथ, जो अभी वैश्विक जो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हेल्थ फॉर ऑल, ये जो कहा है, तो इसके लिए, इसके साथ विश्व स्तर पे ओवरऑल हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी के लिए एविडेंस बेस्ड आयुष को ज़्यादा बढ़ावा मिला, और ना कि देश में लेकिन विदेश में ग्लोबल प्रेजेंस हमारा हुआ। मैम, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा को लेकर के या आयुष की जो अन्य विधाएं हैं उनको लेकर के भारत में तो थोड़ी बहुत जागरूकता रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि इस वक्त दुनिया में कई देशों में भी इसको लेकर के खासी उत्सुकता है। बिल्कुल, क्योंकि इस बार का जो आयुर्वेद दिवस है वो 150 से भी ज़्यादा देशों में मनाया गया, और बहुत सारी लोगों में उत्सुकता है, जागरूकता है, अवेयरनेस हुआ है, आयुर्वेद इज़ अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये लोग समझ रहे हैं। तो एक आयुर्वेद के साथ जो एक जीवन शैली में, पद्धति में बदलाव लाना, हेल्दी हैबिट्स ऑफ फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के अपने आप स्वास्थ्य का बढ़ोतरी करना, इसके लिए पूरे विदेशों में भी अभी इसकी जागरूकता हुई, एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस सिस्टम नॉट एज अ वेलनेस बट From illness to wellness to happiness. So this is considered as a medical system. ये एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम है, लेकिन मेन स्ट्रीम में भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए और कई सारे बीमारियों की जड़ इसकी चिकित्सा पद्धति में निर्मूलन के लिए है, ये लोग जानने लगे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो इंटरनेशनल कोलाबरेशन सेल है उसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज में चेयर भी है, इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, यूनिवर्सिटी पे रिसर्च हो रहा है लेवल पे। और कल प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जो कहा कि परंपरा से प्रमाणीकरण की ओर अभी आयुर्वेद जा रहा है, और विश्व की मदद से इसको एक वैलिडेशन, जो ट्रेडिशन का जो एक साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज वे में एज अ वैलिडेशन चाहिए, एडॉप्शन बाय एवरी अदर सिस्टम्स, हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो एक हम कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इज इंटीग्रेशन, सो ऑल हेल्थ केयर सिस्टम्स आर नाउ विलिंगली अडॉप्टिंग दिस सिस्टम एज अ होलिस्टिक वेलबींग। ठीक है, ये आयुष को लेकर के हमने बातचीत की, और हम चाहते हैं कि थोड़ा ओवरऑल जो स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले 10 साल में कितने बदलाव आए हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी दे रहे हैं। मदन मोहन जेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेड़ा साहब, 70 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनके लिए भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी गई है, और उसके अलावा जो आयुष्मान भारत है उसकी सफलता की कहानी तो हर ओर दिख रही है, और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कई सारे अस्पताल बन रहे हैं, टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन तकनीकी का किस तरह से उपयोग हो रहा है, ड्रोन का उपयोग हो रहा है, और ऋषिकेश एम्स ने तो वहाँ पर हेली एम्बुलेंस भी शुरू कर दिया है। तो इस जो समय के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वास्थ्य क्षेत्र मजबूत हो रहा है, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो रहा है, गरीबों को, मध्यम वर्ग को सस्ता इलाज मिल रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा आबादी है तो चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का जितना बेहतर इस्तेमाल होगा वो उतना ही फायदेमंद होगा। इसी प्रकार कुछ बुनियादी कदम उठाए गए हैं, कुछ बुनियादी फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों का बड़ा फायदा हो रहा है। जैसे अगर हम जन औषधि केंद्र की बात करें, जन औषधियों की बात करें, तो इन केंद्रों के जरिए अगर दवाएं हमें बहुत सस्ती मिलती हैं,
तो अपने आप ही एक सीधे मरीज को फायदा होता है। यहाँ पर सरकार को ये चिंता नहीं करनी पड़ती है कि हमें लोगों को फ्री दवाइयाँ बांटनी है, हमें फ्री दवाइयाँ देनी है, क्योंकि जो दवाइयाँ इन केंद्रों के जरिए मिल रहे हैं वो 80% से लेकर 90% तक लोगों को सस्ती मिल जा रही है। तो एक बुनियादी कदम सरकार ने उठाया तो इसके जरिए सीधे लोगों को फायदा हुआ, तो करोड़ों लोगों को इसका फायदा हो रहा है, 30,000 करोड़ रुपये की इसकी बचत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बुनियादी फैसला है। इसी प्रकार अगर हम कोविन पोर्टल की बात करें, यहाँ भी टेक्नोलॉजी का यूज है, पर हमारे देश में टीकाकरण 70-80% से ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। उसकी वजह क्या है कि लोग टीका लगाना भूल जाते हैं, कई बार लोगों का पलायन होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए लोग भूल जाते हैं और लोग कहते हैं कि अब तो हम कहीं और चले गए, शायद टीका कैसे लगाएंगे बच्चे को। इसकी वजह से क्या है कि बीमारियाँ भी ज़्यादा बढ़ती हैं। लेकिन अब जब कोविन एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि जहाँ पर अगर आप समय पर टीका लगाने के लिए नहीं पहुंचे तो ये आपको SMS करता रहेगा, जब तक आप टीका नहीं लगाएंगे आपको SMS आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति कोई अपने बच्चे को टीका लगाने से नहीं भूलेगा। तो ये 0 से गर्भवती महिला से लेके 17 साल तक के जो उम्र के किशोर होते हैं वहाँ तक टीका लगाने की पूरी चेन है, उस चेन को पूरा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टीके सारे लगेंगे तो बीमारियों की संभावनाएँ बहुत कम हो जाएंगी। तो इसी प्रकार अगर हम मेडिकल कॉलेजों की बात करें, 700 मेडिकल कॉलेज हैं दुनिया के, किसी भी देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं है। 1.25 लाख के आसपास हमारी मेडिकल सीटें पहुंचने जा रही हैं। हालांकि इसके बाद ही हमारे बच्चे विदेश में पढ़े, लेकिन अगले 5 साल के भीतर जिस प्रकार से 75,000 और नई सीटें यहाँ पर सृजित करने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में या 6 साल में हमें ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जो आदमी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहेगा वो अपने देश में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेगा। और हमारे पास सिर्फ बड़े शहरों में या महानगरों में ही डॉक्टर नहीं होंगे, वो डॉक्टर छोटे कस्बों में और गांव में भी सेवा दे रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो बुनियादी स्तर पर फैसले हुए हैं और जिनका एक पूरा जिसने पूरा हेल्थ केयर सेक्टर की पॉलिसी को चेंज कर दिया, तो ये बहुत फायदेमंद है, ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुँच रहा है। इसी प्रकार अगर हम स्टेंट करें, हार्ट के स्टेंट की बात करें, जो 1.25 लाख का स्टेंट आता था आज वो 35,000 की उसकी कैपिंग हो गई है और 35,000 में वही स्टेंट लोगों को अवेलेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर लोगों के जेब पे देखें कितना खर्च कम हो गया। इसी प्रकार 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, 55 करोड़ लोग आज इसकी कवरेज के दायरे में आ चुके हैं। अगर हम 70+ को जो व्हीकल को भी जोड़ें तो 55 करोड़ लोगों को आज ये सुविधा मिल चुकी है कि वो अपने स्वास्थ्य की चिंता से बेखबर हो चुके हैं। उन्हें कोई उसके लिए अलग से बीमा लेने की या अलग से उन्हें कोई पैसा संभाल के रखने की या अपनी जमीन बेचने की या अपने गहने बेचने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो डिसीजन है इनसे निश्चित रूप से आदमी एक अपने हेल्थ को लेके ठीक है। जड़ा साहब, एक सवाल हम पॉल साहब से पूछेंगे। पॉल साहब, जिस तरह से कल भी यूएन पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके अलावा कोविड के दौर में हमने देखा कि कोविन पोर्टल बनाया गया था, तो ये जो तकनीकी का उपयोग है इसको आप किस तरह से देखते हैं हेल्थ सेक्टर में? जी, जैसे कि जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और पोर्टल बेस्ड हो, ऐप बेस्ड जो हम कस्टमाइज एप्लीकेशंस बनाते हैं, इसमें इसे अब हम बच नहीं सकते और इसको यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं, हमारे आयुष डी टेक का प्रोजेक्ट से, जिसमें कि हम इसमें टोटल चीज़ों को, मतलब आयुष के चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्टर्स के इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो, सारे चीज़ को हम कैप्चर करने के लिए आयुष ग्रिड एक प्लेटफॉर्म बनाया हुए हैं। जी हाँ, यानी ढेर सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, जैसे कि नमस्ते पोर्टल है, योगाबेक एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन सब जोड़ते आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर रिलेटेड, आयुष रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो एक पेशेंट्स के लिए। ठीक है, हमारे पास वक्त कम है, एक अंतिम सवाल अभी मुझे जैडा जी से भी पूछना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उससे पहले मैडम तकनीकी को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगी संक्षेप में? जी, आयुष को भी, मतलब जो आजकल का जो आयुष ग्रिड की बात हुई, तो एक IT बैकबोन जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, क्यू मैनेजमेंट, पेशेंट की एडमिशन, ये सभी के लिए एक जो सहूलत है, ये टेक्नोलॉजी के लिए से एक डायग्नोस्टिक्स भी पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस हो गया, तो वो हेल्थ केयर में सुविधा सहूलत ये IT से हुई। और अभी AI पावर्ड जो टूल है उससे ट्रेडिशनल मेडिसिन की लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है और आसान हो गया। जड़ा जी, अंतिम सवाल, और मैम थोड़ा सा वक्त कम है, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए थे,
उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए उन्होंने कहा कि वो वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ये जब देश में प्रगति होती है, हेल्थ सेक्टर मजबूत हो रहा है, ऐसे में जो राजनीति होती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो कहना था वो एक जायज बात थी, बहुत सही उन्होंने कहा है, और इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ के वृद्धों से माफ़ी मांगता हूँ, वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से किसी ऐसी योजना को जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हो, जो लोगों के जीवन से जुड़ी हो, उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। पहले कुछ और स्टेट भी थे, वो स्टेट अब इस योजना में आ गए हैं, लेकिन अभी भी दो स्टेट इससे वंचित हैं, तो उन स्टेट को मुझे लगता है कि इस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, ठीक है, और ठीक एक है। जो पूरा देश जिसके साथ चल रहा है उसी में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी प्रगति, अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़ी प्रगति पिछले 10 सालों में हुई है, और आने वाले वक्त को लेकर भी जो मोदी सरकार का विज़न है उससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में और प्रगति होगी। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।